नमस्कार, मैं पायल कनौजिया, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हमास के अल कासिम ब्रिगेड ने इसराइल की राजधानी तेल अविव में रविवार को एक बड़ा मिसाइल हमला किया है। सोशल मीडिया पर एक बयान में हमास की रक्षाशाला अल कासिम ब्रिगेड ने कहा कि इसराइल नरसंहार के जवाब में ये कार्रवाई हुई है। बाद में इजरायली सेना ने भी माना कि राफा से 8 रॉकेट दागे गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस जनवरी के बाद से इसराइल पर हमास का पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। हमास अल अक्सा टीवी ने बताया कि रॉकेट हमले गाजा पट्टी से किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल सेना ने संभावित हमलों की चेतावनी देते हुए कई शहरों में सायरन बजाया। इसराइली सेना ने माना हमास ने दागे 8 रॉकेट पिछले 5 महीने से तेल अविव में कभी सायरन की आवाज नहीं सुनी गई थी। ऐसे में आज अचानक सायरन बजने को लेकर इजरायली सेना ने शुरुआत में कोई खास जानकारी नहीं दी थी, लेकिन बाद में उसने कहा कि 8 रॉकेट हमले किए गए थे। सेना ने कहा कि राफा में हमले सेंट्रल इजरायल पर किए गए थे, वे इनमें से कई हमलों को रोकने में सफल हुए। इस बीच इजरायली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ने कहा है कि उन्हें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इससे पहले शनिवार को अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सेना को गाजा में कई इजरायली सैनिकों के बंधक बनाए जाने का दावा किया था। शनिवार को हमास की अल कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए इसकी जानकारी दी। हमास के प्रवक्ता उबैदा ने कहा था कि उसके लड़ाकों ने शनिवार को उत्तरी गाजा के जबालिया में लड़ाके के दौरान कई इजरायली सैनिकों को मार डाला है और कुछ को पकड़कर बंधक बना लिया गया है। हालांकि कितने सैनिकों को अगवा किया गया है इसकी जानकारी नहीं दी गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उबैदा ने कहा कि हमलों के बीच हमारे लड़ाकों ने यहूदी फोर्स के लिए एक सुरंग में जाल बिछाया। जैसे ही वे टनल में दाखिल हुए हमने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ इजरायली सैनिक की मौत हो गई, वहीं कई घायल भी हुए। बाद में बाकी यहूदी फोर्स वहां से पीछे हट गई।